जैसा आपने कहा सचमुच सभी की भावना ऐसी कि बहुत बड़ा लॉस है। इस लॉस की कोई पूर्ति नहीं हो सकती है। भगवान का दर्जा मैं उनको देता हूँ क्योंकि हंसाने का काम किया है 40-45 साल तक लगातार, और कुछ सालों से तो वो पिछले 15-17 सालों से जब से लाफ्टर शो आया है मंच के अलावा घर घर में जहाँ जहाँ हिंदी समझा जाता है देखा जाता है हर घर में रोज़ाना वो किसी न किसी माध्यम से आके हंसा रहे हैं। तो ये हर घर का दुख है, हर उस बंदे का दुख है जो हिंदी कॉमेडी से प्यार करता है समझता है। तो बहुत बड़ा लॉस है और हम सब के लिए, तो कॉमेडी वालों के लिए तो कह सकते कि कोई शब्द ही नहीं है। हमारे गुरु हमारे मुखिया हमारे बड़े भाई का वो शारीरिक रूप से वो हमसे बिछड़ गए, कोई शब्द ही नहीं। आपकी लास्ट कोई से कब बातचीत? अभी जब हमारी मैंने एक फिल्म बनाई गाली गलौज, तो उसकी विश लेने के लिए उनको बाइट लेने गया था उनके पास में, तो उन्होंने बोला ये क्या है गाली गलौज है क्या, तो जैसे पसंद पता है मैं पसंद नहीं करता गाली गलौज वाली कॉमेडी। मैंने कहा नहीं, फिल्म का कॉन्सेप्ट ये है कि आजकल स्टैंड अप कॉमेडी जो गाली गलौज आ गया उसके खिलाफ है ये फिल्म। तो मैंने कहा आप बाइट दे दीजिए उसके लिए। तो बोले कब रिलीज़ कब हो रही है? तो मैंने कहा थोड़ा टाइम है। तो बोले रिलीज़ का डेट लेकर आ जा, फिर हम दोनों भाई मिलकर उसका वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं गाली गलौज। साफ सुथरी कॉमेडी करते थे, पारिवारिक कॉमेडी करते थे, आपको पता ही है। इतने महान हस्ती को हमने शारीरिक रूप से खो दिया, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप उनके आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, परिवार के सपोर्ट के लिए प्रार्थना कीजिए, और साथ साथ गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर का काम किया है उन्होंने, हंसाने का काम किया है। रोलाने लेकर तो बहुत लोग होते हैं, तो आज लोग के निवेदन है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। बहुत बड़ा कार्य किया और इस काम की शुरुआत कीजिए आप। कॉमेडियंस बहुत बड़ा कार्य करते हैं, और राजेश श्रीवास्तव जैसे जैसे व्यक्ति को, और उनकी एक इच्छा थी कि वो बायोपिक भी बने ताकि लोगों को ये पता चले कि कैसे जीरो से हीरो एक कॉमेडियन अपने बुरे हाल भुगत कर 4-5 डिवीज़न के बाद, पहले वो ऑटो चलाते थे, पैदल चलते थे, फिर वो कैसेट आई, मंचों पे आए, फिर कैसेट पे आए, टीवी पर, फिल्मों में, और आज सबके दिलों में है। तो मुझे लगता है कि बड़े से बड़े अवार्ड और रिवॉर्ड उनके सामने वैसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि ईश्वर का काम किया है, ईश्वर के काम का कोई तुलना नहीं हो सकती। लेकिन भारत रत्न इसलिए क्योंकि भारत का बहुत बहुत ही लाडला व्यक्तित्व रहे हैं राजू भाई। ठीक है, आपको लगता है काम करते समय सेहत की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाता कलाकारों का? किसी भी कलाकार का नहीं जाता है। देखिए क्या कलाकार की ज़िंदगी जो होती है लोगों को तो बहुत चमक धमक वाली लगती है, लेकिन वो समाज से और नियमों से बिल्कुल उल्टा चलता है। जब आप सो रहे होते हैं तो हम लोग फ्लाइटें पकड़ रहे होते हैं, जब आप खा रहे होते हैं तो हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जब आप लोग बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं तब हम सफ़र कर रहे होते हैं, यात्रा कर रहे होते हैं, दूर दूर की यात्रा, लंबी लंबी यात्रा। आप लोगों का मतलब एक सामान्य जीवन से मैं कह रहा हूँ ऐसा होता है। तो ऐसे में अगर आपको काम करना है तो टाइम रेट डेट कुछ फिक्स नहीं होता, ध्यान जितना रख सकते रखिए अच्छा। सुनील जी, बहुत सारे राजू जी के बाद बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियन जो हैं वो बनते गए, लेकिन जिस तरीके स्टैंड अप कॉमेडी को एक नई पहचान दी, साथ ही साथ जिस तरीके से वो ग्रामीण भाग से जो खासा जो उनका जुड़ाव रहा,